वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग आए हैं राष्ट्रपति भवन, हम लोग मुगल गार्डन घूमने आए हैं। मुगल गार्डन मुगल नहीं, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। वैसे अभी हम लोग का ना यहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी छोटी बहन थी ना तो वो यहाँ पर घूमना चाहती थी। और पता है नॉर्मल एंट्री लोगों की बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन अभी इस वक्त क्या है कि मुगल गार्डन खुला हुआ है, लेकिन आपको टिकट लेकर अंदर जाने दिया जाता है। तो और हम लोग जाते हैं तो हमारी टिकट नहीं लगती है, क्योंकि हमारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पर, हमारे हस्बैंड जी के बड़े भाई रहते हैं, वो उनकी वहीं पर जॉब है तो वो वहीं रहते हैं, तो हम लोग को आसानी से अंदर एंट्री मिल जाती है और हमें वहाँ पर टिकट भी नहीं लेना पड़ता है। तो इसलिए वो हम लोग के साथ में ही गए थे। तो अभी हम लोग वहाँ पर गए और आपको म्यूजिक के साथ में खींच देता हूँ अभी आप वो नहीं है, मैं और भी जाऊं अरे पहले मम्मा को तो ये यहाँ आगे बसता रही है, बताओ मैं इसको बोलने का नहीं, जो होता है ना अभी मैं खड़ी हूँ बाहर। तो ये है हमारे, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो मैंने बहुत कम शूट किया है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ और धूप बहुत तेज थी है, जिसकी वजह से मुझसे ज्यादा कुछ शूट नहीं हो सका है। ठीक है, ये है हमारी छोटी बहन, और मैं आप लोग से इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई क्योंकि ना हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पहुंचे थे। क्या था कि वो अपने घर से आए थे और मैं अपने घर से आए थे, हम लोग डायरेक्ट वहीं जा करके मिले थे और इंट्रोड्यूस कराने का टाइम नहीं था इसलिए, क्योंकि हस्बैंड जी को वापस आने के बाद ड्यूटी जाना था, तो इस वजह से हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे जब भी हम लोग मिलेंगे। और ये वहीं से गार्डन देखने के बाद वापस ही अपने घर चले गए, मैं अपने घर चले आए थे। तो देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये बच्चा गोद से ही नहीं उतरा। हाँ, बहुत ज्यादा थक गए हम लोग, अब जा रहे हैं घर वापस, है ना। और बताए इतनी थकान हुई हम लोग ज्यादा घूमे भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो वापस जाने का रास्ता यही है ना, इसलिए इस जगह पर आ गए हैं। इतने ज्यादा थक गए ना, बहुत ज्यादा। कितना चलने में पड़ता, बच्चे झूला भी झूल लेते बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अंदर है चलने का सारा, ये चलना ही चलना है। तो चलते चलते इतना थक गया, पूरा घूमे भी नहीं है हमने, पूरा नहीं घूमा है। मेरी इतनी हालत खराब हो गई है ना, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया जवाब। हमजा थक गए हो, नहीं थके हो हमजा? दो तीन घंटे से हमजा, दो तीन घंटे से थके हुए हैं।
पानी बोतल दे दे भाई को, पानी दे दे वो देखो बच्चे देखो कैसे थके हुए हैं, देखो चल के बेचारा ऐसे आ रहा है रोता हुआ। क्या हुआ अदलान, छोड़ दिया मम्मी ने? इतना जबरदस्त भाग रहे हैं, लंबे लंबे लगते हैं, हरी हरी इसमें, इस पर मैंने नहीं खाई कभी। देखो हमजा अभी आ रहे हैं हम लोग वापस मुगल गार्डन देखकर, जितनी खुशी से गए थे ना वापस आए बहुत थक कर। ये देखिए बच्चे बोर्ड से उतर ही नहीं रहे हैं। है मजा आया? मजा आया हाँ। ये ऐसे कह रहा जैसे इसने कितना एंजॉय किया है। देखो पूरा टाइम गोद में बना रहा और कह रहा है कि मुझे मजा आया। कहाँ आया तुम, तो उतरे ही नहीं, तुमने घूमा ही नहीं कुछ भी। कैसे ले रहा हो इस टाइम? ये यहाँ मजा आया, इससे बस ऐसे ही मजा आया गोद गोद में रह के। अभी ये है यहाँ का ऑडिटोरियम, यहाँ पर ना धूप भी बहुत तेज हो रही है, बहुत जबरदस्त है, तो बस दिल कर रहा है जल्दी से घर पहुंच जाऊं और मेरी पूरी आउटफिट दिखाती हूँ मैं आपको। पता है थके हुए हम लोग घर पहुंचे, फिर घर से वापस आए म्यूजियम देखने के लिए, और म्यूजियम सच में बहुत अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम गई थी म्यूजियम, गार्डन तो हम कई बार जा चुके हैं लेकिन बहुत अच्छा लगा, सारी थकान दूर हो गई। वहां पर तो काफी कुछ जानकारी भी मिली पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, और कल का ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा, कल का ब्लॉग होने वाला है म्यूजियम ब्लॉग, और अगर आप लोग वहाँ जा सकते हैं तो प्लीज जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा है। और आज के ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।